वी वर डिस्कसिंग पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी एंड पेरोनियल आर्टरी। तो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जो थी वो हमारे पास है ना पॉपलीटल आर्टरी से आई थी। ठीक है, पॉपलीटल आर्टरी की दो ब्रांचेस थी हमारे पास, लोअर एंड ऑफ पॉपलीटल फोसे पे एक एंटीरियर टिबियल आर्टरी और एक थी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। ठीक है, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जो होती है वो हमारे पास पोस्टीरियो मीडियली होती है। ठीक है, और पहले वो भी लेटरली साइड पर होती है, लेकिन फिर है ना जैसे लोअर एंड ऑफ पॉपलीटल फोसे से थोड़ा सा और वो डिसेंड डाउन होती है। ठीक है, जहाँ पे ये हमारे पास पोस्टीरियर साइड ऑफ टिबिया पे वी कैन से जहाँ पे ये इंट्रोसिस मेम्ब्रेन शुरू होती है उससे थोड़ा सा और नीचे, वहाँ पे जाके फिर दोबारा आर्टरी जो होती है वो मीडियल साइड पर आ जाती है और जो टिबियल नर्व जो उसके साथ साथ चल रही होती है वो लेटरल साइड पर आ जाती है। ठीक है, तो ये है ना वहाँ पर इंट्रोसिस मेम्ब्रेन जहाँ होती है वहाँ पर ये अपनी ब्रांचेज देना शुरू करती हैं। कौन सी? पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। ठीक है, एंटीरियर टिबियल आर्टरी तो वहीं से अब वो अंदर एंटीरियर साइड पर आ जाएगी ओपनिंग ऑफ इंट्रोसिस मेम्ब्रेन से। ठीक है, लेकिन ये पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जो होती है ना पोस्टीरियर सरफेस पे ही रहती है, पोस्टीरियर मीडियली। वहाँ पे अब ये अपनी ब्रांचेस देगी। पहली ब्रांच कौन सी देगी? वो देगी इसकी जो लार्जेस्ट ब्रांच है वो है ना पेरोनियल आर्टरी। पेरोनियल आर्टरी जो होती है वो हमारे पास फिबुला के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर रहती है। ठीक है, वो पोस्टीरियर लेटरली रन करेगी और ये जो है जो खुद मेन पॉपुलेटल आर्टरी थी, पॉपुलेटल आर्टरी की ब्रांच थी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, वो खुद पोस्टीरियर मीडियली रन करती है। ये चीज़ याद रखना, ना पेरोनियल आर्टरी जो है वो इटसेल्फ इज द ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी विच इज़ द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी एंड इट रन्स अलॉन्ग द पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ लेग। ठीक है, अब इसने एक ब्रांच तो ये दे दी। दूसरी ब्रांच जो वो देती है वो ये देती है कि ये हमारे पास सर्कमफ्लेक्स फिबुलर आर्टरी देती है, जो कि फिबुला को पूरा है ना सर्कमफेरेंशियली उसको वो कर्व कर लेती है। ठीक है, कर्व लाइक इसकी ब्रांच होती है जो कि पूरी फिबुला के हेड से वाइंड होकर दोबारा जहाँ से है ना ये पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी थी वहाँ तक आके कंटिन्यू होती है। इसकी मैं तस्वीर भी भेजता हूँ। ठीक है, उसके बाद जैसे ये थोड़ा सा और डिसेंड डाउन होती है, अब दोनों साथ साथ चलेंगे, पेरोनियल टिबियल आर्टरी और ये है ना हमारे पास पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी दोनों साथ साथ चलेंगे। एक पोस्टीरियर लेटरली होगी और एक पोस्टीरियर मीडियली होगी। अब जैसे ये डिसेंड डाउन होगी, ठीक है, तो अब ये डिसेंड डाउन कहाँ पर होगी? क्वेश्चन ये अच्छा कि ये हमारे पास डिसेंड डाउन होती है सोलियस गैस्ट्रोक्निमियस इन दोनों के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास हमें पता है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ लेग के हमारे पास दो टाइप के मसल होते हैं, एक होता है सुपरफिशियल और एक होता है डीप। ठीक है, तो ये हमारे और सुपरफिशियल और डीप को डिवाइड कौन कर रहा होता है? वो हमारे पास एक डीप ट्रांसवर्स सेप्टा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास डीप ट्रांसवर्स सेप्टा के बीनीथ है ना ये चलना शुरू करती है। ठीक है, यह है ना ट्रांसवर्स सेप्टा के डीप चलना शुरू करती है। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास टिबियलिस पोस्टीरियर और है ना फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस इन दोनों के ऊपर लाए करके चलती है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जो है अब ये हमारे पास ब्रांचेज देगी। ये ब्रांचेज कौन सी देगी? मस्कुलर ब्रांचेज देगी, जो हमारे पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग के जो मसल्स हैं उनको सप्लाई करेगी। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास देगी न्यूट्रेंट आर्टरी टू टिबिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लार्जेस्ट न्यूट्रेंट आर्टरी होती है हमारे पास टिबिया की, तो ये हमारे पास न्यूट्रन आर्टरी देती है टिबिया को। ठीक है, साथ साथ में ये क्या होता है कि जैसे ये नीचे की तरफ और आ रही होती है तो पहले तो ये हमारे पास है ना टिबियलिस पोस्टीरियर और फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस के ऊपर होती है। ठीक है, और नीचे जैसे आ रही होती है ना तो ये हमारे पास लाए करती है बिटवीन फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस एंड फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस, क्योंकि टिबियलिस पोस्टीरियर जो होता है वो हमारे पास बिल्कुल है ना वो स्लाइट टेंडन के फॉर्म में हो जाता है, तो आप तस्वीरों वगैरह में भी देखना, और वो है ना कर्व हो जाता है सबसे आगे आ जाता है ना पोस्टीरियर मीडियली में भी सबसे आगे आ जाता है। उसके बाद जो दूसरा टेंडन है उसके साथ ही चिपका हुआ होता है वो होता है फ्लेक्सर है ना डिजिटोरियम लॉन्गस का, ये दोनों टेंडन चिपके हुए होते हैं। ठीक है, लास्ट में लोअर एंड ऑफ लेग पे। ठीक है, इन दो और इसके फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस और फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस के टेंडन के बीच में जगह होती है जहाँ पर हमारे पास सारी वेजल्स आती हैं पोस्टीरियर मीडियली, जो भी वेजल आ रही होगी ना जैसे वो हमारे पास टिबियल नर्व है और है ना ये पॉपुलेट ये पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है और साथ में एक और जो पोस्टीरियर मीडियली चीज़ होती है वो वेन होती है। तो ये तीनों जो हैं ये हमारे पास है ना लोअर एंड ऑफ टिबिया पे ये हमारे पास इन दोनों मसल्स के बीच में रन कर रहे होते हैं, फ्लेक्सर डिजिटोरियम लॉन्गस और फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस के। ठीक है, तो अब जैसे ये हमारे पास लोअर एंड पे आ रही होती है अबव द एंकिल जॉइंट, एंकिल जॉइंट से ऊपर की तरफ, एंकिल जॉइंट भी तो एंकिल जॉइंट तो बहुत दूर हो गया और मतलब नीचे हो गया, उससे पहले आता है डिस्टल है ना वो टिबियोफिबुलर जॉइंट, इससे भी ऊपर। ठीक है, डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट से थोड़ा सा और ऊपर ये हमारे पास एक ब्रांच देती है, इस ब्रांच को कहते हैं हम
कम्युनिकेटिंग ब्रांच, वो क्या करती है, वो हमारे पास पोस्टीरियर लेटरली साइड से जो रन कर रही होती है ना पेरोनियल आर्टरी, उसके साथ कम्युनिकेट कर लेती है। साथ साथ में हमारे पास ये जो है ये ना, अब थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे हम, डिस्टल फिबुलर जॉइंट पे आ गए, वहाँ पे ये हमारे पास है ना ब्रांच ये कि अपनी इस जॉइंट को है ना आर्टरी सप्लाई करेगी। उसके बाद ये हमारे पास एंकल जॉइंट पे आएगी, एंकल जॉइंट में आने के बाद ये हमारे पास है ना मीडियल कैल्केनियम ब्रांचेज देगी, और पेरोनियल आर्टरी जो होती है क्योंकि वो भी साथ साथ चल रही है, पेरोनियल आर्टरी जो होती है वो भी हमारे पास मस्कुलर ब्रांचेज देती हुई आई, उसने पैर ना न्यूट्रन आर्टरी दी फिबुला को, और वो हमारे पास लेटरल साइड ऑफ है ना कैल्केनियम को सप्लाई करी क्योंकि वो लेटरल साइड से चल रही हो ये ना मीडियल साइड से चल रही है। ठीक है, उसके बाद है ना पेरोनियल आर्टरी जो है वो हमारे पास है ना लेटरल मेलोलस को देगी और है ना लेटरल कैल्केनियम को दे के एंड हो जाएगी। ठीक है, लेटरल मेलोलस को देगी और लेटरल कैल्केनियम को दे के एंड हो जाएगी। लेकिन ये जो हमारे पास है ना प्रोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है, उसने मीडियल कैल्केनियम को दी, उसने हमारे पास है ना नीचे की तरफ आई और वो हमारे पास फ्लेक्सर रेटिनाकुलस से आगे आई और फिर है ना एबडक्टर हेलुसिस पे आके रुक जाएगी। एक और एक इंपॉर्टेंट ब्रांच थी, एक मैं मेरे दिमाग से स्किप कर गया था, एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है किसकी, पेरोनियल टिबियल आर्टरी, वो पेरोनियल उसकी है ना कौन सी आर्टरी थी, पेरोनियल आर्टरी की उसकी बिल्कुल लोअर एंड पे जहाँ पे वो कैल्केनियम ब्रांचेस और है ना वो एंकल जॉइंट को ब्रांच दे रही होगी, उसी एस्पेक्ट पे वो अपनी एक ब्रांच देगी। ठीक है, जिसको कहते हैं परफोरेटिंग ब्रांच। परफोरेटिंग ब्रांच क्या करती है कि वो हमारे पास लोअर एंड पे पॉस्टीरियर साइड पे लोअर एंड पे हमारे पास इंट्रोस्टिस मेम्ब्रेन के बीच में भी गैप होता है, जैसे ऊपर गैप था ना वैसे नीचे भी गैप होता है, तो वहाँ से वो गैप से आर्टरी जो है ना वो हमारे पास एंटीरियर एस्पेक्ट पे आ जाएगी। ठीक है, और एंटीरियर एस्पेक्ट पे एंकल जॉइंट को सप्लाई करती है। तो ये परफोरेटिंग ब्रांच बहुत अच्छी ब्रांच है, याद रखने वाली ब्रांच है कि ये हमारे पास पॉस्टीरियर से एंटीरियर कैसे आती है, बाय द गैप बिटवीन है ना इंट्रोस्टिस मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये दोनों ब्रांचेस मैंने आपको बता दी, पेरोनियल आर्टरी की ब्रांचेस हो गई और ये पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की ब्रांचेस हो गए। अच्छा, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जो है ना वो एबडक्टर हेलोसिस पे आके एंड हो जाएगी दो ब्रांचेस के अंदर, मीडियल प्लांटर आर्टरी एंड लेटरल प्लांटर आर्टरी। मीडियल प्लांटर आर्टरी जो होती है वो फिर हमारे पास आगे चलेगी मीडियल एस्पेक्ट पे। ठीक है, और फिर वो हमारे पास मस्कुलर ब्रांचेस देती रहेगी और वो है ना वो क्या कहते हैं थोड़ी बहुत कुछ कहते हैं कि है ना ये हमारे पास एक सुपरफिशियल ब्रांच भी देती है एट द बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल, और फिर वो है ना वो कनेक्ट हो जाती है डीप ब्रांचेस, वो जो डीप ट्रांसवर्स आर्च हमारे पास लेटरल प्लांटर आर्टरी बनेगी ना उसके साथ ये कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो मीडियल प्लांटर आर्टरी का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, लेटरल प्लांटर आर्टरी का बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, लेटरल प्लांटर आर्टरी क्या होगी, एबडक्टर हेलोसिस से आगे की तरफ जाएगी और है ना वो चलती रहेगी, क्रॉस करेगी हमारे पास इसी के साथ साथ लगा हुआ होता है फ्लेक्सर डिजिटोरियम ब्रेविस, तो उसको क्रॉस करके फुल साइड पे आ जाएगी एट द बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल। वहां पे अब ये हमारे पास है ना मस्कुलर ब्रांचेस भी देगी, साथ साथ में अब आगे है ना थोड़ा सा और आगे चलेगी एट द हेड ऑफ है ना फिफ्थ मेटाटार्सल, वहां पे जाके ये अब हमारे पास डीप प्लांटर आर्च देगी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये डीप प्लांटर आर्च देती है और इसी के साथ साथ जो नर्व चलेगी ना वो हमारे पास आती है डीप ब्रांच ऑफ लेटरल प्लांटर नर्व। ठीक है, ये चीज याद रखनी, डीप ब्रांच ऑफ लेटरल प्लांटर नर्व, इसके साथ जैसे ये इसका डीप ट्रांसवर्स आर्च बनेगा वैसे इसके साथ जो नर्व चलेगी वो चलेगी डीप ब्रांच ऑफ है ना डीप ब्रांच और ब्रांच ऑफ लेटरल प्लांटर नर्व। ठीक है, अब ये हमारे पास है ना लेटरल आर्टरी जो है लेटरल प्लांटर आर्टरी वो हमारे पास एक ट्रांसवर्स आर्च देगा। ठीक है, और ये ट्रांसवर्स आर्च जो होती है ये हमारे पास फिर है ना कंटिन्यू ये ट्रांसवर्स आर्च देगा 2, 3, 4 मेटाटार्सल तक है ना पूरा ट्रांसवर्स आर्च आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस ट्रांसवर्स आर्च से हमारे पास क्या निकलेंगी, डिजिटल आर्टरीज निकलेंगी जो कि हमारे पास हर फेलेंजेस की दोनों मीडियल लेटरल साइड तक चलेंगी। ठीक है, और फिर वो हमारे पास ये ना ये टोज के भी जो हमारे पास बे वो हेड वाला पार्ट होता है वो पूरा वहाँ तक चली जाएंगी। ठीक है, और फिर वो थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ भी डॉर्सल एस्पेक्ट तक भी नेल बेड्स वगैरह तक भी आ जाएगी ये डिजिटल ब्रांचेस। अब इसने 2, 3, 4 से तो हमारे पास निकल जाए ना ये प्लांटर आर्च डी प्लांटर आर्च जो हमारे पास था 2, 3, 4 के ऊपर, वहाँ से तो हमारे पास 2, 3, 4 के लिए डिजिटल ब्रांचेस निकल गई, तो बिग टो और फिफ्थ के लिए कहाँ से निकलेगी, तो फिफ्थ के लिए हमारे पास ये जो लेटरल प्लांटर आर्टरी आ रही थी ना जो कि कर्व हो गई थी हमारे पास 2, 3, 4 पे, तो वो उसकी जो कंटिन्यू वाला पार्ट है वो हमारे पास फिफ्थ को सप्लाई करेगा, बाकी 2, 3, 4 के लिए कर्व हो जाएगी, और वो जो मीडियल प्लांटर आर्टरी आ रही थी वो फिर हमारे पास आगे जाके कंटिन्यू हो जाएगी जो कि टो को सप्लाई करेगी। तो ये था आर्टरी का पॉस्टीरियर टिबियल आर्टरी और पेरोनियल आर्टरी। अब बाकी जो लास्ट हमारे पास बची है वो बची है ना एंटीरियर टिबियल आर्टरी, वो भेजता हूँ सोरोटी में।